हरीम, तुम नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें कैंपस छोड़ आता हूँ। अपनी क्लासेस दोबारा से ज्वाइन कर। मेरी नेशनल टीम में सिलेक्शन हो गई है माय डियर सिस्टर। ये क्या कह रहे हैं आप, वाकई? हाँ हाँ, और माँ बदौलत अगले महीने लाहौर में जो कैंप लग रहा है उसको ज्वाइन करने के लिए जा। अब मुझे आपके किसी फैसले पर कोई एतराज नहीं, आप जब चाहे जहाँ चाहे मेरी शादी कर सकते। बेगम साहिबा या हरीम तो होंगी? वो भी नहीं है। कब तक आ जाएंगे? कुछ पता नहीं कब तक आएंगे। हरीम बीबी की शादी एक हफ्ते के बाद, उन्हीं की शॉपिंग के लिए गए। माहिया मैं तेरे जी, बिल्कुल भेज दीजिए, बिल्कुल भेज दीजिए। हाँ मैं मिल चुका हूँ पहले जी। ठीक है, मैं बस एक घंटे। मॉर्निंग मामा, मॉर्निंग। ओके ओके, थैंक यू। मॉर्निंग। तुमसे क्या कहा था? तुमसे कहा था कि मुस्तफा भाई की तरफ चक्कर लगा लो, शादी वाला घर है भाई, खुदा का वास्ता है, 100 काम होते हैं यार। हरीम का भाई थोड़ा ही कोई। जी बाबा, मैं जाऊंगा आज लाजमी। मेरा तो ख्याल है मैं एक हफ्ते पहले ही चले जाना चाहिए, इतनी करीबी शादी है, ऐन मौके पर पहुंचना मुनासिब नहीं लगता। आप अपनी वालदा माजदा को कुछ डिक्टेट करना चाह रहे हैं? कुछ भी नहीं पापा। तो फिर ये इशारों में क्या गुफ्तगू शुनीद हो रही है भाई? कुछ नहीं, बल्कि मैं तो मामा को कह रहा हूँ कि वो ठीक कह रही हैं, हमें काफी पहले उनके यहाँ जाना चाहिए था। अच्छा, ये आप कह रहे हैं, माशाल्लाह, ये तो बहुत अकलमंदाना बात है, और आपसे तो मुझे अकल की कोई तवक्को है ही नहीं। अब इतना भी गैर जिम्मेदार नहीं है मेरा बेटा। तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे के बारे में एक लफ्ज बोल दो तुम फौरन दिल पे ले लेती हो। कम से कम मेरे सामने तो नहीं। जी बहुत बेहतर जनाब, जैसे आपका हुक्म। पर आपके इशारे अगर खत्म हो गए हों तो फिर आपकी मर्जी है, चाहे तो बैठे और चाहे तो। नहीं नहीं, मैं जाके शावर ले लूँ। प्लीज डू दैट, प्लीज। पता नहीं अपने बेटे में मैं कोई बात नहीं कह सकता, जैसे मैं तो बाप हूं ही नहीं इसका। साजदा भी जल्दी करें, पापा को लेट हो रहा है। बड़ी ही मुश्किल से जिले लाई से जान बचा के भागा हूं। भाई आप भी तो पापा को चूना लगाने से बाज नहीं आते। वो भी तो मेरे फादर हैं, ऐन मौके पर गर्दन दबोच लेते हैं। मुझे तो ये सोच सोच कर टेंशन हो रही है, जब पापा को आपकी सिलेक्शन का पता चलेगा पता नहीं कितना बड़ा तूफान आएगा इस घर में। तुम्हें काम करना, उस बड़े से तूफान से आने से एक दिन पहले हरीम के यहाँ चली जाना। वहां पे तो इससे भी बड़ा तूफान है, अंकल मुस्तफा की सूरत में। हाँ, वो तो है भाई। खैर उसकी सुनाओ, रोनी सूरत, हरीम कैसी है? भाई मैंने आपको कितनी बार कहा है मत हरीम का मजाक उड़ाया करें, आपको पता है ना पहले आपकी वजह से कितना मेस क्रिएट हुआ था। रियली सॉरी बाबा, मैं भूल जाता हूँ, मुझे बस याद दिलाती रहा। दैट्स इट। तुम्हें मैंने हजारों बार कहा है कि अपने बाप के साथ केयरफुल रहा करो, वो कुछ कह देते हैं तो लड़कियों की तरह मूड ऑफ हो जाता है तुम। माय डार्लिन मॉम, आजकल पापा क्या मैं किसी की भी बात का बुरा नहीं बनाता। तो ठीक है, कल से तुम दोनों तैयार है ना, मेरे साथ जा रहे हो हरीम के पास। नहीं थैंक यू वेरी मच, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। देखे इसे कैसे भागा ये। मोहित नाश्ता नहीं करेगा क्या? नहीं, कह रहा मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं देख के आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? आराम से बात कीजिए। आराम से बात करूंगा। क्या बात है, अकेले क्यों बैठे हो? बैठो बैठो बैठो। देखो बेटा, जिंदगी में हमेशा वही नहीं हुआ करता जो हम चाहते हैं। कहीं ना कहीं इंसान को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, बाज दफा अपने लिए, बाज दफा अपने प्यारों के लिए। कुछ कॉम्प्रोमाइज बहुत तकलीफ दे भी देते हैं। ठीक कह रहे हो बेटा,
लेकिन बहुत से रिलेशंस बहुत कीमती होते हैं, उन्हें बचाने के लिए इंसान को कड़वा घूंट देना पड़ता है। आओ नाश्ता करें, कम ऑन। सबाहत आ गई हैं बच्चों के साथ रहने के लिए। किस खुशी में? हरीम की शादी के लिए आए हैं। चार दिन पहले आने की क्या जरूरत थी? अब ये मैं पूछ तो नहीं सकती थी, ना ही मना करना मुनासिब है। यही बात है रियाना, जहालत में तुम्हारे खानदान का कोई मुकाबला नहीं। अब देखो ना, किसी के सर पर सवार होने की क्या जरूरत है। शादी वाले घर में सौ मसले मसाइल होते हैं। हरीम की खातिर आए हैं। तो मैंने कब कहा है कि मेरी मोहब्बत में दौड़ी चली आई हैं आपकी भावच। चाय पियेंगे आप? मेरा मुंह तो अब बंद करना ही है ना, तो चाय से ही सही। भाई ले आओ, ले आओ, ले आओ भाई, चाय ले आओ। हमने पहले कब एतराज किया है जो अब करेंगे। Are you in your senses, Mohit? Senses तो काम नहीं कर रहे आजकल। तुम जो हर छोटी-छोटी बात मुझसे शेयर करते हो, इतनी बड़ी बात चार दिन से अपने पेट में छुपाए बैठे हो। क्या बताऊं पूरे शहर को क्या हो गया मेरे साथ। अच्छा, तो अब मैं शहर में मौजूद आम लोगों की तरह हो गया हूँ। Shame on you, Mohit। क्या मिलेगा मुझसे नाराज होकर तुझे? अच्छा, अब देवदास बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें मोहब्बत में इतना के जाना ही नहीं चाहिए। मोहब्बत की थी दानिया, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया था कि अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को, बस हो गई। आई अंडरस्टैंड यार, लेकिन इस तरह खुद को और अपने से वाबस्ता लोगों को अजीत देने का क्या फायदा है? प्लीज यार दानिया, अब मॉम डैड की तरह तू भी मुझे लेक्चर मत दे, इसलिए मैं तुझे बताना नहीं चाह रहा था। वो वहाँ पे खुशी खुशी अपनी शादियों की तैयारियां कर रही होगी और तुम यहाँ हाल से बेहाल हुए। कुछ तो कल से काम लो। शट अप यार दानिया, मुझे तुझसे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी। अच्छा मोहित सुन, तो मोहित कितना ब्यूटीफुल दुपट्टा है, कहाँ से लिया ये? अम्मी लाई थी पता नहीं। अच्छा जल्दी से यहाँ पे बैठो, मैं जरा तुम्हें उड़ा के तो देखूँ कैसा लगेगा। रोमा बहुत ही प्यारा कलर है, पहनो कितना। रोमा क्या बचपन है, तू को सारा मुझे एक बच्चे क्लिक कर ले तो ऐसे ही रहना। अच्छा रोमा हरीम प्लीज माय आई नीड अ बिग स्माइल हरीम प्लीज स्माइल। बहुत अच्छी पिक्चर आ रही है, ट्रस्ट मी। तो स्माइल करने हो, रुको ऐसे ही बिल्कुल ऐसे रहना, एक और पिक्चर क्लिक करनी है मुझे। यार ये दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा है भाई। अच्छा हुआ आप आ गए, जल्दी से मेरी और हरीम की एक पिक्चर क्लिक करें। हाँ हाँ रेडी गर्ल्स पाउट, क्या हो गया? और चल रेडी 3 2 1 एंड टिक। तो अच्छी खासी खूबसूरत हो रही है। हाँ मैंने तो गौर से इसको देखा, ये आज है बहुत प्यारी लग रही हुई। आपको आज पता चला? दिखाए मुझे भी पिक्चर। बल्कि मेरी भी खींचो। क्या जरूरत है?
ए, क्यों नहीं, कजन से हैं। इसलिए कल को तुम अपने घर चली जाओगी तो याद करेंगे तो क्या देखकर याद करेंगे, तस्वीरें देखकर याद करेंगे। थैंक यू, स्माइल। जी हरीम, बहुत अच्छी पिक्चर आ रही है भाई। हरीम बहुत प्यारी पिक्चर आई है। Did I told you? What? से हरीम पछतावा हो रहा है मुझे, लेट हो गया। अरुण सब आपको लेकर उड़ गए, लकी गए। भाई आज के दिन कोई शरारत नहीं। अच्छा शरारत वो, चलो मुझे तुम लड़कियों ने बातों में लगा दी, पकड़ो। मामा पूछ रही हैं कि ढोलक मंगवाएं कि ना मंगवाएं। ये कोई पूछने की बात है भाई, जाएं जल्दी से मामा को कहें ढोलकी मंगवाएं। चलो और मैं तुम्हें पिक्चर दिखाऊं, बहुत अच्छी पिक्चर आई है और ये ढोलक इतना प्यारा लग रहा है तुम पे। इस ब्यूटी पार्लर में ऐसी कौन सी बात है कि वहां जाना जरूरी है? तुम्हें पता है वो शहर के दूसरे कोने पर है। अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी मुस्तफा, मैंने बताया तो है शादियों का सीजन है, मैं क्या करती। तो अब उसे लेकर जाएगा वहां कौन? अकल से तो काम लिया करो, तो परेशानी में डाल देती हो तुम। अलीना चली जाएगी ड्राइवर के साथ। हरगिज नहीं, मैं किसी पराई लड़की पर इत्मीनान नहीं कर सकता। अरे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं और आयान है ना, ले भी आएंगे और छोड़ भी आएंगे। तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। मुश्किल आसान कर, मेरी चाय कमरे में ही भिजवा देना। उफ, तो गुस्सा नाक पे ही धरा रहता है, इस आदमी ने मुझे पागल कर दिया है। इसको बाहर निकाल, बिल्कुल। अयान, अयान बेटा इधर तो आओ जरा। क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? मामा इधर ही हूँ मैं, क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम वहाँ आके बैठो, बुरा लगता है ना हरीम की। नहीं बुरा लगता, अब ख्वातीन का फंक्शन है, मैं बीच में बैठ के तालियां बजाता रहूँ, अच्छी बात। आ तो जाओ ना, बात तो बात सुने, बात सुने, बात सुने, मैं यहीं पर हूँ, अगर आपको कोई काम होगा मुझे मिस कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा, अच्छा नहीं लगता। प्लीज मान ले, मान ले।
बहुत तेरा दिमाग खराब है। क्यों गया था हरीम के घर? पता नहीं क्यों अजियत दे रहा खुद को यार। शादी हरीम की मर्जी से हो रही होगी ना तान्या? मुझे क्या पता यार, कितनी खुश होगी ना वो, कितनी प्यारी लगेगी दुल्हन बन के। बेटा मैंने तुम्हारा ये जोड़ा, ये ज्वेलरी और बाकी चीजें भी रख दी, एक नजर तुम भी डाल लो, कुछ रह तो नहीं गया। हरीम बेटा। जी बुआ। क्या बात है, खैरियत तो है ना? जी कुछ नहीं, आप मामा नहीं जान सके, वो मुझे छोड़ा है पार्लर। हुआ क्या है? जी बस चैनी सी हो रही है। देखो बेटा बिल्कुल फिक्र नहीं करो, परेशानी की कोई बात नहीं है, बस तुम एक काम करो, जितना ज्यादा पढ़ सको ना दुरूद शरीफ पढ़ती रहो, अल्लाह मियां तुम्हें सुकून देगा। जी बुआ, आप सामान रखवाएं, गाड़ी में मैं आती हूँ। चलो ठीक है। भाई साहब रात के 11 बज चुके हैं, अगर कोई और मामला है तो प्लीज हमें बता दें, क्यों अपना और हमारा वक्त जाया कर रहे हैं? कैसा मसला बहन जी? यही कि कहीं भाई साहब आप अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ तो नहीं शादी कर रहे? देखिए आप गाड़ी की चाबियां तो छोड़ के चले, आपको चीजें चाहिए और चीजें। पार्लर कब बंद हुआ? सही है 10 बजे बंद हो जाता है, कोई मसला करिए। हाँ वो आपके पास इसकी ओनर का नंबर है? नंबर तो सर इसका नहीं है, कोई मसला है तो बताएं। तो माहिया मैं तेरे नाम सबाहत भाभी से कहें कि कब जाएंगी वो हरीम को लेने के लिए, बारात आने वाली है। मैं फोन करके पूछती हूँ। कोई हद होती है गैर जिम्मेदारी की। रुको मैं करता हूँ जी। तुम्हें कहा भी था कि इतनी दूर पार्लर पे बच्ची को मत भेजो, तुम्हारी भाभी के हार श्रृंगार खत्म होंगे तो बच्ची को लेने जाएगी ना। जब मैं चली जाती हूँ ड्राइवर के साथ। कभी अक्ल से भी काम ले लिया करो, बारात आने वाली है और अगर दुल्हन और उसकी माँ दोनों गायब होंगी तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? मेरी बात हो गई है सबात से, वो आयान साथ है, अभी पहुंचने वाले हैं, आते ही होंगे। इस उसूलन सबात को वापस आने नहीं चाहिए था, वहीं पार्लर पे खामखा उसको अकेला छोड़ के आ गई। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन टेंशन क्यों ले रहे हैं आप, अभी पहुंच जाते हैं। लीजिए बारात आ गई, आओ ना जो बारात भी आ गई। आइए हरीम, प्लीज आप अपने घर कॉल कर लीजिए, उन्हें 7 बजे आपको पिक करना था और अब तो 9 बजने वाले हैं। जी मैंने फोन कर दिया, वो लोग रास्ते में ही हैं, ट्रैफिक में फंस गए। देखिए मैं रात 8 बजे के बाद अपना पॉलर कभी भी ओपन नहीं रखती और आपकी वजह से आज इतनी देर हो गई है, मेरी तमाम वर्कर्स भी जा चुकी हैं। बस उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। मैडम मैडम हमारे इलाके में किसी सियासी लीडर का मर्डर हो गया, न्यूज पर बता रहे हैं, हालात काफी खराब हो गए हैं, देखिए फायरिंग की आवाज भी आ रही है। देखो मैंने आपसे कहा था ना, आप प्लीज अपने घर वालों को कॉल कीजिए, हमें पॉलर फौरन बंद करना होगा।
तो बैटरी खत्म हो गई है, आप मेरे फोन से कॉल कर लीजिए। लेकिन मुझे तो सिर्फ PTCL नंबर याद है और इस वक्त घर पर कोई नहीं होगा। अजीब लड़की हैं आप, बंदा कम से कम दो चार लोगों के नंबर तो याद रखता है ना। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, फ़ोन में सारे नंबर सेफ थे। आपके पास इस फ़ोन का चार्जर होगा? नहीं, आप प्लीज़ अपने घर के PTCL नंबर पर ही कॉल कर लीजिए, कोई मुलाजिम तो होगा ना। जी प्लीज़ ज़रा जल्दी कीजिए, हमें कॉलर फ़ौरन बंद करना है। और तुम क्या खड़ी हो, जाओ जाके न्यूज़ देखो, पता चले सिचुएशन क्या है। घर पर तो कोई नहीं उठा रहा। बहुत ही गैर जिम्मेदार हैं आपके घर वाले, प्लीज़ किसी और का नंबर ट्राई करें, वरना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। किन रस्तों पे लिए मामा, यहाँ से तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आयान को ही तो हल निकालो ना, तुम्हारे अंकल का पारा हाई हो रहा होगा। अब क्या करूं, गाड़ी लोगों के सरों के ऊपर से उड़ा कर ले जाऊं। पुलिस ने कंटेनर्स लगाए जगह जगह, हालात देखें क्या है। छह मुख्तलिफ जगहों से ट्राई कर चुका, नहीं कोई रास्ता बाहर निकलने को मिल रहा। ये हल्ला किस मुश्किल में पड़ गए हम लोग। आपको भी पूरे शहर में यही एक ब्यूटी पार्लर मिला था। रेहाना की कॉल आ रही है। हेलो रेहाना, अभी कितनी देर है, बहुत बारात भी आ गई है। बस हम इस इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है हमें। मुस्तफा बहुत नाराज हो रहे हैं। रेहाना सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने, जगह जगह आग लगी हुई है, फायरिंग हो रही है। अच्छा तो आयान से कहो ना कोई रास्ता ढूंढे। हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, बस तुम दुआ करो। अच्छा अल्लाह हाफिज। मामा शहर के हालात बहुत खराब हो गए हैं, सब गेस्ट शोर मचा रहे हैं कि जल्दी निकाह पढ़ाओ, हमने वापस जाना है। सबाहत से बात हुई है मेरी, बस रास्ते में है, पहुंचने वाले हैं। ये बात इस अकलमंद को समझाओ जिसने अपनी बेटी को इतनी दूर पार्लर में भेज दिया। मुझे क्या मालूम था ऐसे हो जाएगा। रोमा यहाँ फोन किया है तुमने, हरीम का पता किया? पापा 2 घंटे पहले हुई थी मेरी बात हरीम से। अब 2 घंटे पहले हुई थी, एक बार फिर करके देख लो ना। अब उसका नंबर पावर्ड ऑफ जा रहा है। नंबर क्यों बंद कर दिया जाहिल लड़की ने, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अंकल बैटरी का इशू हो सकता है। मुस्तफा साहब क्या प्रॉब्लम है, लड़की पार्लर से वापस क्यों नहीं आ रही? एक्चुअली आपको पता है शहर में जरा अनरेस्ट है, जरा सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गई है ना। मेरी मिसेस रास्ते में है, बस पहुंचने वाले होंगे, अभी आ जाते हैं। लेकिन देखें हालात इतने खराब हैं, हमारे गेस्ट शोर मचा रहे हैं, उन्हें भी तो आखिर घर जल्दी जाना है अपने। बस आधा घंटा और इंतजार कर लें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई ना कोई हल निकल आएगा। आप तशरीफ रखिए भाई, आइए ना, आइए बैठिए बैठिए, आप हौसला रखिए। यार क्या हौसला रखू, क्या इनको। अच्छा मैं ट्राई करता हूँ। अरे आंटी चूड़ियां नहीं निकाली, अंगूठियां निकालो, निकालो। तुझे समझाना पड़ेगा उस्ताद, हो गया आंटी खाली हो गई है, जो मांग रहे इनको दे दो ना। उससे ज्यादा तो आंटी समझदार है। उस्ताद चले, चल 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 चल, खाली गारंटी को तूने कैसे चेक कर। देखिए आप गाड़ी की चाबियां तो छोड़ के चले, आपको चीजें चाहिए थी और चीजें समझ में नहीं आ रही है। आपको दे दिया इसको, जो भी आया गाड़ी की चाबियां तो दे दे। ओए पुलिस का ले नहीं।
अल्लाह ये क्या हो गया अम्मी। क्या हुआ हरीम, कॉल मिली? नहीं, कोई उठा नहीं रहा। हरीम देखिए बहुत देर हो गई है, ऐसा कीजिए आप चलिए, मैं आपको हॉल तक छोड़ देती हूँ। नहीं लेकिन शादी हॉल तो यहाँ से बहुत दूर है। अब क्या करें, इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना ही है ना। लेकिन अगर मेरी मामानी जान पहुँच गई तो वो तो बहुत परेशान हो जाएंगी। मामानी की तो आप बात ही मत कीजिए, जितनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा उन्होंने किया है ना, आज तक मेरी किसी कस्टमर की तरफ से ऐसा नहीं हुआ। मैडम अब तो न्यूज़ पे बता रहे कि लोगों ने गाड़ियों को आग लगाना शुरू कर दी है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। हरीम सुन लिया ना आपने, क्यों आप मेरा नुकसान करवाना चाह रही हैं? लेकिन 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 कुछ नहीं, मैं अब कोई रिस्क नहीं ले सकती। मैं नीचे गाड़ी में वेट कर रही हूँ, तुम इनका सामान लेकर आओ। अरे यार तुम भी टेंस हो जाओगी तो कैसे चलेगा? समझ में नहीं आता कि सबात और अयान ने अब अपने नंबर क्यों बंद किए? नहीं वो कोई मसला हो गया होगा। तुम बकवास बंद करो, तुम ही सारे फसाद की जड़ हो। अगर कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखूंगी। क्या हो क्या आपको? अच्छा हम खुद जाके पता कर लेते हैं ना, हम चले जाते हैं। और ये सारी बारात जो मेरे सर पर आई बैठी है, इसका क्या करूं? मैं और भाई साहब रात के 11 बज चुके हैं, अगर कोई और मामला है तो प्लीज हमें बता दें, क्यों अपना और हमारा वक्त जाया कर रहे हैं? कैसा मसला बहन जी? यही कि कहीं भाई साहब आप अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ तो नहीं शादी कर रहे हैं? इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं आप? देखिए अच्छी रास्ते में है, मैंने बताया ना आप जानती हैं शहर के हालात ठीक नहीं हैं, मेरी बीवी गई हुई है, पहुंचने वाले होंगे। देखिए आखिर बाकी सब लोग भी तो आ गए हैं ना, अगर मजीद आधे घंटे तक दुल्हन ना आई तो मुझे लगता है कि आप लोगों का हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। हारून के फादर तो वैसे ही बहुत गुस्से में, प्लीज कुछ कीजिए आप लोग। अब हम चले जाते हैं। मेरा ख्याल है हमें खुद ही जाना पड़ेगा, मैं और रेहाना चले जाते हैं। नहीं तुम लोग यही रुको। अच्छा टेंशन मत लो, वो टेंशन मत लो ना। नंबर क्यों सबने ऑफ कर दिए हैं अपने? बात तो ठीक कह रहे हैं भाई, प्लीज गाड़ी थोड़ी तेज चलाएं, बहुत देर हो गई है। सारी सिचुएशन आपके सामने, देखिए पुलिस ने हर रास्ता बंद कर रखा है, मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। हम सब कोशिश कर तो रहे हैं, 11 बजने वाले हैं, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। हरीम आप दुआ करें अल्लाह ताला खैर खैरियत से हम लोग को इस मसले से निकाले। मैडम पुलिस रोको, आप लोग आगे नहीं जा सकते। देखिए इमरजेंसी है, हम सबका जाना बहुत जरूरी है। देखिए आगे आग लगी हुई है, अगर हमने आपको जाने भी दिया तो आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचेगा, बेहतर आप दूसरा रास्ता इख्तियार कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। ड्राइवर गाड़ी मोड़ो। कहीं भाई साहब आप अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ तो नहीं शादी कर रहे हैं?
अगर मजीद आधे घंटे तक दुल्हन ना आई तो मुझे लगता है कि आप लोगों पर हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। अयान कुछ तो करो अब। मामा प्लीज आप चुप कर जाएं, थोड़ा अपना ख्याल करें, रो रो के देखिए हालत आपने क्या बनाई हुई। मेरा दिल क्या बना रहा है, मैं बस यहाँ से चलो। मामा मैं आपको कहाँ लेकर चलूँ, मोबाइल वो छीन कर लेंगे, गाड़ी की चाबियाँ, वॉलेट, जो कुछ था सब कुछ तो लेंगे, मैं किसको फोन करके मैं कैसे हेल्प करूँगा यहाँ पे। हाँ तो मेरे यहाँ खड़े खड़े भी हमें कोई मदद के लिए नहीं आएगा, जब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे कोई ना कोई तो हमें मिल जाएगा ना। अरे हरीम का क्या हुआ होगा? हरीम की आपको पड़ी हुई है, हरीम की वजह से सारी मुसीबतें आई हैं, ये इधर जान के लाले पड़े, आपको हरीम की पड़ी हुई। मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ से चलो। क्या हुआ, कुछ पता चला? गाड़ी क्यों अचानक चलते चलते रुक गई है? जल्दी चेक कर रहा हूँ उसको, लगता है इंजन गर्म हो गया। आज तो कोई मनहूसी दिन चढ़ा है, सारे काम ही उल्टे हो रहे हैं। सुनिए अपना फोन दीजिएगा, मैं घर पे दोबारा ट्राई करती हूँ। ये लो। मैं बस पार्लर का नंबर नहीं है पापा, वो तो मामा के पास। यार अजीब टेंशन हो गई है, ना इसकी माँ का नंबर रिस्पॉन्ड कर रहा है ना आयान का। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है फारूक, अल्लाह खैर करे। मैं क्या कहूँ रहना, मैं तो खुद बहुत टेंशन में हूँ। पता है हरीम के ससुराल वाले अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, अजीब सा ही रंग दे दिया उन्होंने। दिमाग खराब हो गया इनका, पागल हमारा कसूर थोड़ी है। अच्छा तुम दोबारा आयान का नंबर ट्राई करो, मैं जरा देखता हूँ। मैं जी क्या हुआ, कोई टैक्सी मिली? मैडम जी हालात ज्यादा खराब होने की वजह से कोई गाड़ी नजर ही नहीं आ रही। पता नहीं क्या होगा, अगर मैं ना पहुंची तो मेरे अब्बू मेरी जान निकाल देंगे। मैडम मेरे घर से भी बार बार कॉल्स आ रही है। तुम्हारे सामने ही गाड़ी खराब हुई ना, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने जानबूझकर सब कुछ किया है। आई एम सॉरी मैडम, मेरा मतलब ये नहीं था, ड्राइवर गया है मैकेनिक को देखने। हरीम प्लीज आप रिलैक्स रहिए, मैं खुद आपके घर वालों को असल सिचुएशन बताऊंगी, मुझे यकीन है कि वो लोग मेरी बात समझ जाएंगे। नहीं लेकिन अब तक तो हालात बहुत बिगड़ चुके होंगे हॉल में, पता नहीं अम्मी अब्बू को क्या क्या बातें सुननी पड़ रही होंगी, प्लीज किसी तरह मुझे पहुँचा दें। डोंट वरी, रिलैक्स रहिए। देखिए ऐसा कोई मसला नहीं है, आप यकीन कीजिए, आपको गलत फहमी हो रही है। बस बस बहुत हो गई, शाम 7 बजे से अब 12 बज चुके हैं, आप लोगों को बता क्यों नहीं देते कि लड़की पार्लर से कहीं चली गई? होश में है आप इस तरह की बेहुदा बात क्यों कर रही हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म? शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए जो इतनी देर से हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। आप ही के मेहमान उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, सुना है कि मुस्तफा भाई भी अब बेटी को तलाश करने गए हैं। जो होना था वो हो गया भाई साहब, अब प्लीज हमारी तरफ से माफ़। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जो इंसल्ट हमारी किस्मत में लिखी हुई थी ना वो हो चुकी है, अब मजीद बर्दाश्त की ताब नहीं। चलो हरुण के माँ सबको कहो। आप मेरी बात तो सुनिए प्लीज, देखिए आप ज्यादती कर रहे हैं, आप, आप, आपको एहसास करना चाहिए। चलो भाई सब, देखिए आप मेरे साथ वाले हैं, आपको आपको सोचना चाहिए, आप मेरी बात तो सुनिए प्लीज। चलो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए।
मैं पानी लेके आता हूँ। पार्लर कब बंद हुआ? सही है, 10 बजे बंद हो जाता है, कोई मसला करिए। हाँ वो आपके पास इसकी ओनर का नंबर है? नंबर तो सर इसका नहीं है, कोई मसला है तो बताएं। तो हाँ फारूक, क्या हुआ? अरीम का कुछ पता चला मुस्तफा भाई? नहीं, पार्लर तो बंद है। तो फिर हरीम कहाँ है? शायद सबात और अयान के साथ निकल गई होगी। नहीं, अयान के साथ नहीं, अयान का भी फोन आया था किसी दूसरे नंबर से। के साथ तो सैफ हो गया है, किसी ने गन पॉइंट पे सब कुछ छीन लिया उसे, वॉलेट भी, ज्वेलरी भी, हर चीज। तो फिर हरीम कहाँ रह गई? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने आपको एक बुरी खबर सुनाने के लिए फोन किया। हरीम की बारात वापस है। क्या बारात वापस चली गई? मैंने आपको एक बुरी खबर सुनाने के लिए फोन किया। हरीम की बारात वापस चली गई। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैम मुझे लगता है बारात वापस चली गई। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, बारात वापस नहीं जा सकती। शायद आपको अंदाजा नहीं है, रात का 1 बज रहा है और शादी हॉल्स की टाइमिंग 12 बजे तक ही होती है। जी मैडम, खैरियत? इस शादी हॉल में कोई फंक्शन था ना आज? आप उसी फंक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें कोई गड़बड़ हो गई थी? मेरा मतलब है कि दुल्हन गायब हो गई थी। माहिया मैं तेरे ना। हरीम तुम कैसी लड़की हो, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं, एक शख्स तुम्हारी मोहब्बत की आग में दिन रात जलता है। मुझे हर हालत में एकेडमी ज्वाइन करनी है पापा, प्लीज आप मेरी बस एक ये बात मान लें, मैं आपकी हर बात मानूंगा। तुम्हें हरीम से शादी करना। मुझे बहुत डर लग रहा है, अंकल मुस्तफा आके एक तूफान बर्पा कर देंगे। ये सब माँ बेटी की हीली भगत है। आप सब लोगों के सामने मुझे क्यों जलील कर रहे? मैं पूरे होश आवाज के साथ तुम्हें तलाक देता हूँ। इश्क तेरे विच सों